हेलो एवरीवन, आई एम राशिद खान फ्रॉम लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। क्लास टुडे क्लास टेंथ टुडे वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दोस। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड इसके पहले हमने पढ़ा है ऑक्टेट रूल। What is the octet rule? Why the chemical combination takes place? How does the electron, proton and neutron may be represented? What will be the difference in between the neutral atom as well as the ions? इतना हो गया जी आयुष, कल यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। तो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे किसमें? फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, हाउ द कंपाउंड में बी फॉर्म। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाई आइदर द डोनेटिंग आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इफ द डोनेटिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, वॉट विल बी द कंसर्निंग मैटर टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वाई? बिकॉज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इफ फुलफिल they do not need to react to one another। अगर उनके आउटर ऑर्बिट पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड अप होंगे तो वो क्या करेंगे? फिर फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। एक सिंपल सा हम लोग देखते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन। इन दैट केस, इन केस ऑफ अ CO2, इन केस ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ दे कैन बी फॉर्म। So here is O2 and this one is C, carbon. Here is, in case of a carbon there is a 6 electron, in case of oxygen there are 8 electrons. So the electron must be filled up on the basis of the first orbit and the last orbit, that is outer most orbit, 3, 3, 3, 6, 1, 2, 3, 6 electrons are there into outer most cells, six electrons. To the point, the electron either it will be the donate and they will be gate, or they will be obtain, गेन द इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज किया है, डोनेट किया है। तो ये चार जो इसके पास लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, बट एक्साइटमेंट के केस में ये डोनेट कर सकते हैं। और जब कार्बन डोनेट करता है, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी +4 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी, और जब ये कैंसिल होंगे तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये कहलाएगा CO2। इसलिए बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है इस ऑक्सीजन को। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये इसको 2 दे देता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इनसे लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल जाएंगे, बचेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऑक्टेट को शो करेगा। तो फॉर गेटिंग मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? स्टेबिलिटी के लिए इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद इसके ऑक्टेट रूल का फॉलो हो जाएगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे और यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा जिसको कहते हैं CO2। ये रहा कार्बन, ये दोनों ऑक्सीजन, तो बना CO2। क्लियर है? किसमें है? किसमें? अच्छा, ये 9th का नहीं, ये क्लास 10th का है, और क्लास 10th में यही है कि ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो होगा और कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपके सिलेबस में नहीं है क्या? कौन बोल रहा है? लो सिलेबस देखो, 9th का पढ़ाएंगे हम। उसमें 9th में ये कहो कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया गया, इसलिए 10th में उसको पढ़ने की जरूरत
कम है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिए गए हैं जिनको हम लोग देखेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। कौन कौन से एग्जांपल हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएगा, कंबाइन कैसे करेगा? क्योंकि मैग्नीशियम का हम लोग देखेंगे 12 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 10 और लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ये हो गया 12 मैग्नीशियम। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है 2N6, राइट। ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है और ये कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। दूसरा देखेंगे कैल्शियम, व्हाट इज ऑक्टेट रूल एंड हाउ द कंपाउंड्स में फॉर्म्स। नेक्स्ट आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड, ऑन सच अ टॉपिक वी हैव टू स्टडी। सो here some of the portion on which we have to go through, that is octet rule. Why? Because we have already discussed about the chemical properties and reactions of acid, reactions with bases and some of the other. So causes of chemical reactions. So here we'll have to write the chemical reactions causes due to the complete octet are for getting more stabilized. For the stable, they can be interacted to one another, they can be combined with one another. So here we'll have to write combination. What is this chemical combination? How this chemical combination may follow? The chemical combinations happen due to only the one reason, that is when the element, when the atom of any element get reacted with another. Suppose if there is a sodium, so sodium having the number of electrons, sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, copper, zinc, number of metals, they can have their configuration like this. So for obtaining the more stability or getting more stable, they will have to perform what actually? They will have to either lose electron, either gain the electrons. So we can say if they are, they can loses the electron, so they may have gain of electron. If they can lose it, so there is a loss of electron. If they gain, there is a increasing of an electron. So how we can say there is a number of electron, number of protons, and destabilizing
again suppose there is a 11 23 in case of a sodium. So there are a number of electrons. Number of electrons are 11. Why? Because 11 is the atomic number, and atomic number is considered as the number of electrons. So the second one is number of proton. तो अब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में देखेंगे. और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो 23 माइनस 11 दैट इज 12, एंड 12 इज एक्चुअल द नंबर ऑफ प्रोटॉन. सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो ये 11 ही रहेगा. और जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन में एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 12. अब जब तक ये न्यूट्रल फॉर्म में है तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो सकते हैं. अगर ये आयन फॉर्मेशन कर देता है, आयन बना लेता है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे 10. एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी द सेम, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा और न्यूट्रॉन का नंबर भी एज यूजुअल सेम. सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. सो कभी भी आप ये देखिए इसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, हमेशा चेंजिंग होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है. इसी तरह से जितने भी आपके जो स्टेबल होंगे वो लूज करेंगे या गेन करेंगे. तो इसको गेन करने के बाद क्या बच रहा है, लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. सोडियम है, सोडियम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2H1 होगा. सोडियम आयन है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हो जाएगा 2 और 8. यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ओनली है तो इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द लास्ट ऑर्बिट दैट इज अ आउटर मोस्ट ऑर्बिट only there is a number of electron is here. Now it is in the octate state. So for obtaining the octate they will have to interact, or there will be the chemical combinations which takes place. So here we will have to move on to the next one, who has supposed to, it is Advice and Cosels 1960s, who elaborate this, the octet rule. Octet rule that is composed by these two particular type of scientists, the Levi's and Cosel. 1960s he proposed a rule that is called as an octet rule, and this can be come into the existence by we have discuss more about why this electron can be represented like this, why this electron can be represented like this. This can only be represented due to there is a making more stable, that is for getting stabilized, who don't want to free, everyone wants to be free. So this such type of electron we that is which is runs as usual. So this can be want to free from all these, so it has to be try to combine to the another chemical substances. So one chemical substance when try to are combined to another chemical substances, there will be the only one chance, there is what the combinations are, sharing of electron, losing of electron, gaining of electron, whatever it is. This may only takes place in such a way
that is by the sharing, losing or donating the electrons. So on that behalf we can say there is a chemical combination takes place, and due to this chemical combination there is a they can obtain their octet state, and octet state may be get the address about that, the how they can be stable, how much they can stable. They can stable by either the donating the electrons, either the gaining the electrons, or might be the such other ways. So here we'll have to discuss on to the particular way, like a showing another way, like chlorine will form 35.5 the atomic number, atomic weight, number of electron in this, number of electron will be 70, number of proton will be as usual 70, but the number of neutron will be changed, that is 17.5. So it is approximately 18, and here in this case 17 electron must be represented like this 2, 8, 7. But in case of a chloride ion, there is a losses of a they can get one electron, so the number of electron will be 18, proton will be 17, neutron will be 18. And here is a one electron getting increases. So here is another 2, 8, 8. Now it can obtain 8, that is their octet. They can obtain their octet. So that one is a most stable than that of a chlorine. So formation of a chloride is just denoted, it is most stable than that of a chlorine as a neutral atom. And there is, when they get combined to one another, that can be takes place only due to the obtaining or attaining their octet state. How they could be formed? Like a potassium chloride. So in this case potassium form potassium ion, chlorine form chloride ion. So they can be mixed to one another and they will form a chemical combination. So kaise chemical combination denge? Suppose ke liye ye potassium hai, iske paas 19 hai, ye chlorine hai, iske paas 17. So yahan pe 2, 8, 10 plus 8 and 1, 19. और इसके पास है 2, 8, 7. ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए ट्रांसफर कर देगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये 7 का ये भी 8 हो गया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड दे विल मेक द केमिकल reactions by which they can be reacted to one another and showing the chemical combinations. So these chemical combined only due to the only on the basis of the electron sharing of electron, attaining of electron, or might be the losing of electrons. So that will be the most suitable idea by which they can be shown the chemical combination. And these chemical combinations happen on the basis of what the number they have the electrons. So far the electron can either be loses or gain, so that can be causes the chemical combination. And by chemical combination they will have to be attain their stable positions, or they can stabilize themselves, as well as they can have completed their octet. So the octet rule says the in their last outermost orbit there are 8 number of electron must be reached, and that is done by the Moser and Levice in 1960s, that is termed as